नमस्कार, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं डेली नया सीखो। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज लेके आया हूं। जो लोग बीएसएनएल की सिम को यूज करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप लोगों को पता होगा एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इन सभी के जो रिचार्ज है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है और हर कोई इनके जो रिचार्ज है उनको नहीं करा पाता है। ज्यादातर लोग तो वैसे अनलिमिटेड ही कराते, लेकिन जो लोग बहुत कम बात करते हैं तो वो लोगों का जो पहले 30 रुपए का, 35 रुपए का जो मिनिमम रिचार्ज होता था एक महीने के लिए, वो भी अब कंपनी ने 99 रुपीज का कर दिया है। इससे कम कोई भी रिचार्ज आप नहीं करा सकते। जियो में तो 119 रुपए का है, लेकिन बीएसएनएल में हम आपको एक बताएंगे कि आज एक कंपनी ने जो है एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है। वैसे प्लान तो काफी पुराना है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि उस प्लान का आपको कैसे बेनिफिट लेना है और उसकी क्या खासियत है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें, जो लोग बीएसएनएल के सिम को यूज कर रहे हैं ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है, और ये जो प्लान है ये पूरे 90 दिनों के लिए है, जिसमें आपको 300 मिनट मिलेंगी और 6 GB डेटा मिलेगा। 3G और 2G, 4G अभी नहीं आया है, जिसमें आपको 100 SMS मिलेंगे लोकल और नेशनल। देखिए प्लान है 201 रुपए का। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये तो हमें पता है। देखिए हम आपको एक बात बता दें, जिन लोगों को इस रिचार्ज के बारे में पता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं करा रहे हैं ये प्लान उन लोगों के लिए है। देखिए इसमें आपको क्या बेनिफिट है, ये रिचार्ज कौन कौन करा सकते हैं। अगर आपकी सिम, जैसे मान लीजिए अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, आपकी सिम जो है ग्रेस पीरियड में चली जाती है, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी प्लान रिचार्ज कराया, तो सबसे पहले उसकी आउटगोइंग खत्म होती है, उसके बाद आपकी इनकमिंग भी बंद हो जाती है। जब आपकी आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों बंद हो जाएगी, उसके बाद ही आप 201 रुपए के रिचार्ज को कर पाएंगे, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। अगर आप ये सोचें कि हमारा अभी प्लान चल रहा है, या मान लीजिए आपकी आज आउटगोइंग खत्म हो गई है और आप सोचें कि कल हम इसका रिचार्ज करा लें, तो वो आपके में रिचार्ज होगा ही नहीं, वो आपके में बार बार फेल होगा। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से अगर इस रिचार्ज को करेंगे तो वहां पे ये शो नहीं होगा। इसके लिए आपको या तो जो बीएसएनएल की ऐप है उसको आपको इंस्टॉल करना होगा, जो सेल्फ केयर वाली ऐप होती है उसके थ्रू आप इस रिचार्ज को कर पाएंगे, ठीक है। या फिर आप किसी दुकान वाले के पास जाके आप उनको बता सकते हैं कि सर 201 रुपए का रिचार्ज है, या फिर आप उनसे करा सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यानी कि थर्ड पार्टी कोई भी होगा, आप उसका रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। आपको या तो सेल्फ बीएसएनएल की जो सेल्फ केयर ऐप है उससे आप कर पाएंगे, या फिर मैंने आपको बता दिया किसी लोकल दुकानदार से आप कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको एक बात बता दें, हमारे देखिए यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट आपको शो हो रहे होंगे, एक में हमारा रिचार्ज ऑलरेडी चल रहा है और एक में हमने आपको बताया है कि आप कैसे सेल्फ जो बीएसएनएल की ऐप है वहां पे जाके आप 201 रुपए के रिचार्ज को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप इसको 201 रुपए के रिचार्ज को गूगल पे भी डाल देंगे तो वहां पे भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, यानी कि ये जो प्लान है ये वही लोग यूज कर पाएंगे जिनकी जो बीएसएनएल की सिम है उनका आउटगोइंग और इनकमिंग पूरी तरीके से बंद हो गया है, जिनकी सिम ग्रेस पीरियड पे चली गई है। और फ्रेंड देखिए, आपको मैं एक बात और बता दूं, ये जो प्लान है 201 रुपए का, ये मैं अपने यूपी बेस्ट में बता रहा हूं। इसके अलावा अगर आप कहीं और किसी और दूसरे स्टेट में रहते हैं तो उसके लिए आपको बीएसएनएल का जो कस्टमर केयर है उससे आपको कॉल करके पता कर लेना है कि सर ऐसा कोई प्लान है कि जिससे कि जो हमारी सिम है वो ग्रेस पीरियड में चली गई है, तो ऐसा कोई प्लान है 90 दिन का जिससे कि हम उसको रिचार्ज करा पाए और उसका हम बेनिफिट ले पाए। देखिए इस प्लान की एक खास बात और है, और जो प्लान है बीएसएनएल के 107 रुपए के, या फिर जो कि 94 रुपए का है, जो भी 50 दिन का और एक 45 दिन का जो प्लान आता है, उसमें आपको क्या है एसएमएस नहीं मिलते हैं, उसमें केवल आपको मिनट मिलते हैं और नेट मिलता है, लेकिन इसमें आपको 100 SMS भी मिलते हैं।
अगर आप मान लीजिए अगर आपकी कोई सेकेंडरी सिम है, अगर आप उससे यूपीआई भी चलाते हैं और अगर आपको मैसेज भेजना है तो इससे बड़े आराम से मैसेज चला जाता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको अलग से कोई भी बैलेंस नहीं कराना है, यानी कि सीधी सी बात यह है, अगर आप सेकेंडरी सिम के तौर पर यूज कर रहे हैं बीएसएनएल की सिम को, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। क्योंकि देखिए जियो, वोडा, एयरटेल, इनके प्लान बहुत ज्यादा महंगे हैं, आप लोगों को पता होगा 300 रुपए में एक महीने का रिचार्ज मिलता है और बीएसएनएल यहाँ पे केवल 201 रुपए में 90 दिन, यानी कि 84 भी नहीं, पूरे 90 दिन के लिए ये आपको मिलने वाला है। यानी कि 90 दिन आपकी सिम कंटिन्यू चलेगी, इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर आप सेकेंडरी सिम के तौर पर इसको यूज कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि 300 मिनट बहुत ज्यादा कम है, तो आप इसमें अपना जो भी बैलेंस डालना चाहते हैं वो आप अपना बैलेंस डाला सकते हैं। उससे क्या होगा, जो भी उनकी जो नॉर्मल रेट है 1 रुपए 1.5 रुपए, वो कॉल रेट उसकी लगेगी। तो फ्रेंड देखिए, ये एक प्लान था बीएसएनएल का, हमें नहीं मालूम कि ये प्लान नया है या पुराना है, हम इस चीज को सर्च कर रहे तो हमें ये प्लान वहां पे मिला, तो हमने सोचा क्यों ना ये प्लान आप लोगों के लिए बताया जाए। क्योंकि ये प्लान ना ही पेटीएम पे ना ही फोन पे, यानी कि कहीं भी थर्ड पार्टी ऐप पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केवल बीएसएनएल की सेल्फ केयर जो ऐप है उसी में मिलेगा। अगर आप लोगों ने इसका रिचार्ज कर लिया है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है, और जिन लोगों ने रिचार्ज नहीं किया है तो वो अभी रिचार्ज कर सकते हैं। और ये केवल यूपी बेस्ट के लिए है, अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं तो आप कस्टमर केयर से जाके फोन कर सकते हैं और वो आपको इसकी प्लान की पूरी जानकारी दे देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको रिचार्ज करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आए या कोई एरर आए इसमें, तो आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं, हमसे जो भी आपकी हेल्प होगी हम हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ में वो जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए।